खबर पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा से है, जहां बारिश के दौरान सड़क डामरीकरण का वीडियो वायरल होने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया। कहा, बारिश में सड़क डामरीकरण से सड़क की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। महाराज ने कहा कि वीडियो देखे के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को कार्य रुकवाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही रिखणी खाल से देवी यू खाल पर सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है। वहीं सतपाल महाराज ने पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रदेश की सड़कों पर बारिश के दौरान किसी भी प्रकार का डामरीकरण कार्य न करवाए जाने की हिदायत दी है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में सड़कें गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाई जाएं। वहीं नितिन बिष्ट प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस का कहना है कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह कार्य करवा रहे हैं। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। बरसात के दौरान एक रोड निर्माण कार्य चल रहा था, तो आप ये बताइए कि बरसात के दौरान जो रोड निर्माण कार्य चल रहा है वो कितने दिन तक टिक पाएगा? मैं कहता हूँ कि आप केवल आश्वासन देते रहेंगे या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और जो भ्रष्ट ठेकेदार है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का कार्य करेंगे? वर्तमान में जहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा होगा, मैं इसको एक बार एग्जामिन कराऊंगा, एक्शन पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन से इसके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। अगर गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है और वर्षा के दौरान या ठंड ऋतु के दौरान अगर डामरीकरण कार्य किया गया पाया जाता है तो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में रिखणे खाल से देवियों खाल तक जो सड़क बन रही थी उसका वीडियो आया जब जब बारिश हो रही थी और वहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसे मुझे पता चला और मैंने बारिश को देखा, मैंने तत्काल वहाँ पर अधिकारियों को आदेश दिए कि काम को रोका जाए और भविष्य के अंदर बरसात होते समय जो है सड़क को न